शाहजेब प्यारा सा लड़का क्यूट सा। मैट्रिक करने के बाद पढ़ाई को खैराबाद कहा, क्योंकि बाबा की डेथ हो गई थी इसलिए बाबा का बिजनेस संभालना भी था। अपना गाड़ियों का शोरूम था, किसी चीज़ की कमी ना थी, पैसा घर हर तरह की सहूलियात। बचपन में ही दादी नानी ने शाहजेब की खाला की बेटी सबाहत का रिश्ता जोड़ दिया था। शाहजेब और सबाहत की मंगनी हो गई थी, दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। सबाहत ने बीए करने के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी। शाहजेब समझा रहा था कि मेरी जान क्यों कॉलेज छोड़ दिया, आगे भी पढ़ लो ना। सबाहत ने अकताते हुए लहजे में बोली, मुझसे नहीं पढ़ा जाता अब, मैंने कौन सा पढ़ लेकर कोई जॉब करनी है। शाहजेब मुस्कराते हुए बोला, हाय काश किसी पढ़ी लिखी लड़की से मेरी शादी होती। सबाहत गुस्से से बोली, क्यों मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ क्या। शाहजेब आशकाना अंदाज में बोला, नहीं यार, काश वो जॉब करती, फिर हर महीने तनख्वाह लाकर मुझे देती और कहती जान जाओ इंजॉय करो। सबाहत गुस्से से बोली, शर्म तो नहीं आती, जाओ अब जॉब करने वाली से ही शादी करो, मुझसे बात करने की ज़रूरत नहीं है, कॉल बंद कर दी। शाहजेब मुस्कराने लगा, बिल्कुल पागल सी है। रात को घर आया, कमरे में लेटा हुआ था, न्यूज़ देख रहा था। सर्दी का मौसम था, बहुत ज़्यादा ठंड थी, खिड़की कर शीशे पे ओस जमी हुई थी, बहुत प्यारा मौसम था। सबाहत को कॉल की, अभी एक ही घंटी बजी थी कि सबाहत ने कॉल अटेंड कर ली। बंदर पागल, इतनी लेट कॉल क्यों की। शाहजेब मुस्कराने लगा, मैंने तो सोचा था आप नाराज़ होंगी इसलिए कॉल नहीं की थी ना। सबाहत लंबी सांस लेकर बोली, मेरी जान सबाहत सारी दुनिया से रूठ सकती है लेकिन अपने शाहजेब से नहीं, तुम्हारे बिना तो मेरा एक एक लम्हा मुश्किल से गुजरता है, नाराज़ होना तो बहुत दूर की बात है। शाहजेब एक बात बताओ, क्या तुमको सच में किसी जॉब वाली से शादी करने का दिल है। शाहजेब ने करवट बदली, आहिस्ता से बोला, पागल हो क्या, शाहजेब को सिर्फ और सिर्फ सबाहत पसंद है चाहे कैसी भी है, मेरे लिए तुम ही हो सब कुछ, मेरी ज़िंदगी, मेरी आरज़ू, मेरी आशिकी, मेरी जस्तजू, मेरा भरम, तुम मेरा मान, तुम मेरी दर्द की दवा हो, तुम मेरे उदासी की शाम हो, तुम मेरे घर का चिराग हो, तुम मेरे बेहाल का हाल हो, तुम कहीं जो तुम ना हो तो फना हूँ मैं, कभी बेवफा हूँ तुमसे तो काफिर हूँ मैं, मेरे सर का ताज हो तुम, मेरे कदमों की धूल हूँ मैं। मेरी सबाहत, कभी ना ख्याल आए आपकी दिमाग में कि शाहजेब अपनी सबाहत के सवा किसी और को चाहेगा। सबाहत को बहुत प्यार आ रहा था शाहजेब पे, बिल्कुल पागल, वादा करो शादी के बाद भी यूं ही चाहोगे। शाहजेब मुस्कराने लगा, मेरी जान ये चाहत कभी ना कम होगी। वो वक्त भी आन पहुँचा कि आज सबाहत दुल्हन बनी और शाहजेब दूल्हा, आज शादी थी, पाकीज़ा रिश्ते में बंधे जा रहे थे, आज मोहब्बत को वफा का नाम दिया जा रहा था, एक दूसरे को कबूल कर लिया। रुखसती हुई, सबाहत का हाथ थाम कर अपने घर ले आया, बेड पे बैठे मोहल्ले की सब लड़कियां दुल्हन को देखने आई हुई थी, शाहजेब भी पास बैठा हुआ था। सब लड़कियां कह रही थी, शाहजेब भाई दुल्हन आपसे ज़्यादा प्यारी हैं। शाहजेब नज़रें चुरा कर देख रहा था सबाहत को, आज सबाहत बहुत प्यारी लग रही थी। रात के 12 बज गए थे, सब चले गए, अब कमरे में सिर्फ सबाहत और शाहजेब थे। शाहजेब ड्रेस चेंज करने लगा, सबाहत नज़रें झुकाए बैठी हुई थी कि शाहजेब बोला, यार सबाहत मुझे तो बहुत भूख लगी हुई है, मैं तो खाना लाने लगा हूँ। किचन में बिरयानी कप पड़ी हुई देखी तो मैंने, तुम भी ड्रेस चेंज कर लो। सबाहत जड़ से बोली, अरे शाहजेब मेरे लिए भी खाना लेकर आना, कसम से मुझे भी बहुत भूख लगी है। शाहजेब बहुत सीरियस होकर बोला, अरे तुम पहली रात की दुल्हन हो, शर्मा कर बात करो। सबाहत ने घूंघट उठाकर साइड पर रखा और जा पागल जल्दी से खाना लेकर आ। शाहजेब बड़े गुस्से से बोला, वाह वाह, आते ही हुक्म चलाना शुरू कर दिया, अच्छा मैं खाना लेकर आता हूँ। वो एक प्लेट में बिरयानी डाले कमरे में दाखिल हुआ, दो चम्मच लगाए हुए थे प्लेट में, जल्दी से टेबल पे प्लेट रख कर बैठा। अभी पहले नवाला लगाने ही लगा था कि सबाहत बोली, शाहजेब पानी किसने लाना है। शाहजेब ने चमक वापस प्लेट में रखी और उठा और जूता पहना और लाता हुआ पानी, मेरे आने तक तुमने खाना अच्छा, तुमने ही खाना अच्छा। शाहजेब हाथ में पानी जग पकड़े हुए कुछ निगल रहा था। शाहजेब का कज़न आ गया, अरे भाई इस वक्त पानी का जग लिए कहाँ जा रहे हो। शाहजेब इससे पहले कुछ बोलता, कज़न ने कहा, यार कल रस्म वलीमा है, एक परेशानी है। वो दोनों बातें करने लगे, आधा घंटा गुजर गया। शाहजेब बोला, यार मुझे अब जाने दो। कमरे में वापस आया, पानी का जग टेबल पर रखा और फिर हवास उड़ गए जब देखा कि प्लेट खाली पड़ी हुई है। सबाहत सारे चावल खा लिए। सबाहत आराम से बोली, जान भूख ही बहुत लगी हुई थी,
लाओ पानी ग्लास में डालकर दो। शाहजेब ने गुस्से में बेड पर लेट गया। जा, मैंने नहीं करनी बात तुमसे, कहा भी था भूख लगी हुई है मुझे। सबाद मुस्कुराने लगी। तो जाओ और ले आओ ना, शाहजेब आराम से बोला। और कहाँ, मेरे अब्बा ने होटल खोला हुआ है, ये एक ही प्लेट चावल की थी बस। वो दूसरी जानब करवट बदल कर लेट गया। सबाहत भी साथ लेट गई। अरे मेरे शोना, गुस्सा ना किया कर। अच्छा सुनो ना जान, मेरा गिफ्ट कहाँ है, गिफ्ट दो ना मेरा। शाहजेब नाराज़ था, नाराज़ तो था लेकिन फिर सबाहत का हाथ पकड़कर चूमा, अपने दिल पे रखा। मेरी जान, तुम्हारा गिफ्ट ये है कि अगर कभी मेरी मोहब्बत में मिलावट हो तो ये दिल धड़कना भूल जाएगा, हर धड़कन तुम्हारा विर्द करेगी। वो मोहब्बत भरी रात गुजर गई और ज़िंदगी नए सफ़र पर चल दी। शाहजेब शावर लेकर ले रहा था कि ज़ोर ज़ोर से आवाज़ देने लगा, सबाहत मुझे टॉवल देना। सबाहत किचन में नाश्ता बना रही थी। हालन ने कहा, जा सबाहत बेटी इसकी सुन लो, क्या शोर मचाया हुआ इसने। सबाहत कमरे में गई। सबाहत ने हाथ में टॉवल पकड़ा और शाहजेब, हद होती है, कितनी बार कहा है कि मैंने सब कुछ लेकर जाया करो वॉशरूम में। टॉवल पकड़ाया, कमर पे टॉवल बांधे वॉशरूम से बाहर निकला। अरे मेरी जान, मेरी शूज़ ही पॉलिश कर दो। सबाहत शर्ट बेड पर रख कर बोली, जनाब मुझे आपका पता है, रात को मैं आपके शूज़ पॉलिश करके ही सोई थी। अच्छा जी, आई यूँ जान, अब जल्दी से आलू वाला पराठा बना दो मेरे लिए। सबाहत कमरे से जाते हुए बोली, अब जल्दी से रेडी हो जाओ, मैं नाश्ता लाती हूँ आपके लिए। गरम गरम पराठा साथ चाय लेकर सबाहत कमरे में आई। शाहजेब ने पास बैठा कर कहा, जान मेरा ख्याल, मेरा कितना ख्याल रखती हो ना। अपने हाथ से सबाहत को नाश्ता करवाने लगा, फिर जल्दी से बोला, अच्छा जान आज रात को रेडी रहना, खाला का फ़ोन आया था। सबाहत से दिल उदास से मिल जाओ आकर। सबाहत मुस्कुराने लगी, मेरे शहजादे आप जल्दी आना। फिर शाहजेब ऑफिस चला गया और रात को जल्दी आ गया। कार दरवाजे के सामने खड़ी की और हॉर्न बजाने लगा। फिर जल्दी से घर में दाखिल हुआ, माँ से सलाम किया, अम्मी सबाहत कहाँ है। माँ ने बताया वो कमरे में तैयार हो रही है। जल्दी से कमरे में गया, यार सबाहत टाइम देखो क्या हो रहा है, जल्दी करो वापस भी आना है। सबाहत जल्दी से दुपट्टा ओढ़े बोली, चलो मेरे शहजादे। शाहजेब बहुत ख्याल रखता था सबाहत का, सबाहत की छोटी सी छोटी खुशी का भी ख्याल रखता था। घर वापस आए, दूसरे दिन शाहजेब ऑफिस गया तो खाले ने कहा, सबाहत बेटी शाहजेब को फ़ोन करो 12 बजे घर आ जाए, मुझे डॉक्टर के पास ले जाए। सबाहत पास बैठकर बोली, खाला आप सुबह से मुझे बहुत वॉमिटिंग हो रही है, मुझे भी डॉक्टर के पास जाना है। खाला मुस्कुराई, या अल्लाह खैर करना, रहने दो शाहजेब को, चलो तुम मेरे साथ डॉक्टर के पास। सबाहत का टेस्ट हुआ, डॉक्टर ने बताया कि अल्लाह की रहमत से सबाहत माँ बनने वाली है। बहुत खुश थी सबाहत, वो माँ होने का एहसास महसूस कर रही थी। घर आई बहुत खुश थी। शाहजेब शाम को घर आया, हाथ में पिज़्ज़ा पकड़ा हुआ माँ के पास रखा। माँ सबाहत कहाँ है, माँ ने मुस्करा कर कहा, अरे बेटा अब ये सब कुछ बंद कर दो, लाना सबाहत के लिए फूड वगैरह लाया करो। शाहजेब कमरे में, सबाहत जल्दी से उठकर शाहजेब के सीने से लग गई, आई लव यू मेरी जान। सबाहत बहुत खुश थी। सबाहत ने बताया कि शाहजेब आप पापा बनने वाले हैं। ये सुनकर शाहजेब जैसे ही उठा हो सबाहत का माथा चूमने लगा, मेरी जान तुमने मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी दी है आज। शाहजेब बहुत ख्याल रखता था सबाहत का, और फिर वो दिन आ गया कि अल्लाह ने प्यारी सी बेटी अता की। सब बहुत खुश थे, बेटी का नाम जन्नत रखा था, अब शाहजेब जन्नत का बाबा बन गया था। शाहजेब बेटी को पेट पर बिठा कर इससे बातें करता, अल्लाह की रहमत से फिर अल्लाह ने बेटा अता किया। लेकिन बेटे की पैदाइश के बाद शाहजेब की माँ दुनिया से चल बसी थी। अब सबाहत बच्चों के साथ ज़्यादा मसरूफ़ रहती। अल्लाह ने 2 बेटे और 2 बेटियाँ दी थी, 4 बच्चे थे। अब शॉवर लेते हुए शाहजेब आवाज़ें दे रहा था, सबाहत टॉवल दे दो मुझे। सबाहत बच्चों को नाश्ता करवा रही थी, आवाज़ें दे देकर थक गया, फिर ऐसे ही कपड़े पहनकर बाहर आया। बहुत गुस्सा था सबाहत पे, मेरी आवाज़ नहीं सुना दी थी तुमको क्या। सबाहत गुस्से से बोली, शाहजेब अब आप बच्चे नहीं हैं, मैं बच्चों को देखूँ या आपको टॉवल दूँ, लेकर क्यों नहीं जाते साथ। शाहजेब गुस्से से बोला, अच्छा बातें ना करो, अब मुझे नाश्ता ला कर दो जल्दी से। ठंडा पराठा शाहजेब के सामने रख कर बोली, शाहजेब आज रात को आगे हुए दूध का डिब्बा और पैम्पर्स ले आना। शाहजेब गुस्से से बोला, यार पराठा ठंडा हो चुका है। इतने में सबसे छोटा बेटा जो अभी 1 साल का था रोने लगा। सहबा जल्दी से बेटे को गोद में उठाकर फीड करवाने लगी। शाहजेब सुन रहे हो ना, मैंने क्या कहा है। शाहजेब ऑफिस चला गया। सबाहत सारा दिन घर का काम करती, खाना बनाना, बर्तन, झाड़ू, बच्चों का ख्याल रखना, वो थक जाती थी सारा।
लेकिन मैं शाहजेब और सबाह से झगड़ा करने लगा। सबाह, तुम लापरवाह हो गई हो। आप ना मुझे ताज़ा खाना देती हो और ना मेरे शूज़ पॉलिश करती हो और ना वक्त पे कपड़े देती हो। सबाह थकन से बुरा हाल और चिड़चिड़ापन आ चुका था। इसमें सारा दिन वो थक जाती थी। रात को शाहजेब ताने देता और सबाह को हर रोज़ शाहजेब यही बात करता, तुमको घर की जिम्मेदारी का एहसास नहीं है। अब सबाह हार छोड़कर खुदा का वास्ता देती, शाहजेब बस कर दो, मैं सारे दिन की थकी हुई होती हूँ। रात को छोटा बेटा सोने नहीं देता, एक तुम सताती हो। अब वो बात बढ़ते बढ़ते हंसी गुजर गई। दोनों में एक दिन एक रात बहुत झगड़ा हुआ। शाहजेब ने थप्पड़ भी मार दिया सबाहत को। वो बहुत रोई थी इस रात। सबाह शाहजेब समझ नहीं पा रहा था, औरत होना आसान नहीं होता। तालाब की धमकी देकर शाहजेब ने दूसरे दिन सबाह सब बच्चों को घर छोड़कर महके चली गई। बड़ी बेटी जन्नत ने फ़ोन किया, पापा मामा हमको छोड़कर नानी के घर चली गई हैं। शाहजेब को बहुत गुस्सा आया, जल्दी से घर आया, बच्चे भूखे बैठे थे। सबाहत का नंबर मिलाने लगा। सबाहत ने फ़ोन उठाकर कहा, कोई ज़रूरत नहीं मुझे फ़ोन करने की, तुम्हारे बच्चे छोड़ आई हूँ, संभालो घर और बच्चे। शाहजेब गाली देकर बोला, बाहर में जाओ तुम और संभाल लूँगा। बच्चों को होटल से खाना ला कर दिया। झाड़ू पोछा करने वाला था कि शाहजेब बर्तन धो रहा था कि छोटी बेटी पास आकर रोने लगी, पापा मुझे भाई ने मारा है। बड़ी बेटी ने कपड़े गंदे कर लिए। बर्तन धोकर बच्चों के कपड़े चेंज करने लगा। अभी कपड़े सबके चेंज किए ही थे कि सबसे छोटे बेटे ने पोटी कर दी। शाहजेब गुस्से से बोला, क्या स्यापा है, फिर इसको साफ किया। बच्चे खाना मांगने लगे और बच्चों को खुद फीडर बना कर दिया। होटल गया, खाना लेकर आया। खाना खा रहा था कि बड़े बेटे ने खाना कपड़ों पे गिरा दिया। सारे कपड़े गंदे हो गए और फर्श गंदा हो गया। खाना साइड पे रखा और बेटे के कपड़े बदले थे। छोटा बेटे को भूख लग रही थी, वो रोने लगा, इसे फीडर पिलाने लगी। वो सोया हुआ था कि मज़े से न्यूज़ देखने लगा। थकन से बुरा हाल हो गया था, पूरा जिस्म दर्द कर रहा था। पूरा घर में सामान बिखरा पड़ा था और झाड़ू तक ना लगाया था। अभी आंख लगी थी कि छोटा बेटा जाग गया, वो रोने लगा। माँ को ढूंढ रहा था, 2 घंटे लेकर घूमता रहा शाहजेब बेटे को। बेटा सोने नाम नहीं ले रहा था और नींद से बुरा हाल था। थक चुका था कि इतने में दूसरे 2 बच्चे भी उठ गए। पापा हमको दूध गर्म करके फीडर में डाल दो, भूख लगी है। रात के 2 बज रहे थे। एक बच्चे को गोद में उठाया हुआ दूध गर्म कर रहा था कि हाथ जल गया। सबाह वो याद आने लगी, आंखों में आंसू थे। शाहजेब को महसूस हो गया था कि सबाहत बेचारी कैसे घर संभालती थी। बच्चों को गोद में लिए सबाहत का नंबर डायल किया। सबाहत सो रही थी, रात भर जागता रहा। सुबह सो होते ही बच्चों को साथ लिया और सबाहत के पास पहुंच गया। सबाहत माँ के पास बैठी हुई थी, छोटे बेटे को सबाहत की गोद में डाल रखा। सबाहत के सामने घुटनों के बल बैठ गया, कानों को पकड़कर माफ़ी मांगने लगा, सबाहत घर चलो, मुझे माफ़ कर दो, मैं समझ ना सका था तुम्हारे दर्द को। सबाह रोने लगी, शाहजेब मैं कब तुमसे या बच्चों से दूर रहना चाहती हूँ, तुम मुझे हर रोज़ ताने देते थे। शाहजेब ने सबाहत का हाथ थाम लिया, सबाह माफ़ कर दो मेरी जान, तुम्हारे बिना घर में रौनक नहीं, सब कुछ बिखरा पड़ा है, बेचैनी सी है तुम्हारे बिना, उठो मेरी जान घर चलो। सबाहत को सीने से लगा लिया, बच्चों को लिए घर आया। सबाह ने देखा कि बर्तन गंदे पड़े हुए हैं, हर जगह कचरा पड़ा हुआ है, कपड़े बिखरे हुए हैं, घर कम खंडर ज़्यादा लग रहा था। शाहजेब 2 दिन बाद ऑफिस गया था। रात को घर आया, सब कुछ तरतीब से पड़ा हुआ था, बर्तन धुले हुए, साफ सुथरा घर, कमरे से खुशबू आ रही थी, बच्चे खेल रहे थे, सबाह टीवी देख रही थी। शाहजेब मुस्कुराने लगा, बच्चे दौड़ते हुए पापा से लिपट गए। सबाह खाना ला के लिए किचन में जाने लगी। शाहजेब मुस्कुराए, मेरी जान तुम आराम करो, मैं खुद खाना ले लेता हूँ। रात सोते वक्त सबाह का सर दबाने लगा, मेरी जान बहुत थक जाती हो ना, जानती हो तुम्हारे बिना मेरी जान निकल रही थी, सॉरी मैं तुम पे हाथ उठाया। सबाहत ने शाहजेब का हाथ चूमा, बस आपको एहसास हो गया मेरी जान, इतना काफ़ी है। यूँ ज़िंदगी मोहब्बत के सफ़र पे फिर से चल ली। औरत होना आसान कहाँ होता है, वो सारा दिन आपकी खातिर नौकर बनकर काम करती है, खाना बनाती है और बच्चों को संभालती है और घर को घर बनाती है। अपनी हमसफ़र की खामोश सकन को महसूस किया करो कि वो सिर्फ आपकी मोहब्बत के चंद अल्फाज सुनकर ही खुश हो जाती है। थप्पड़, गाली, गुस्सा, झगड़ा, तशद्दुद करके इसकी दिन भर की थकन को जहन्नम में ना बदला करो। मर्द हो तो इसको सीने से लगा कर इसके खामोश दर्द को समझा करो।